डेरिवेशन अकेडमी की तरफ से खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर शहबाज सईद और आपके लिए लेके हाजिर हुआ एक और वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक मीडियम वन डायमेंशन के अगले दो केसेस, यानी केस नंबर 3 और केस नंबर 4, क्योंकि इससे पहले केस नंबर 1 और केस नंबर 2 हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इलास्टिक मीडियम वन डायमेंशन का टॉपिक जो उससे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए केस नंबर 3 और केस नंबर 4 का आगाज करते हैं। केस नंबर 3 है व्हेन m1 इज फार लेसर देन m2, यानी m1 बहुत छोटा है m2 से और v2 इज इक्वल टू 0 है, यानी m1 की जो रेशियो है मैच की वो m2 की रेशियो से बहुत कम है। सादा लफ्जों में m1 इज इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं, नियरली इक्वल टू 0 या 0 भी कह सकते हैं। तो v1 डैश का जो फार्मूला है वो m1 - m2 / m1 + m2 * v1 + 2m2 / m1 + m2 * v2, और m1 की जगह पे हम 0 लगाएंगे तो 0 - m2 / 0 + m2 * v1 प्लस 2m2 / 0 प्लस m2 इंटू 0, और ये हमारे पास 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 भी खत्म हो जाएगा, माइनस m2 बटा प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 / 0 प्लस m2, ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 0। तो ये 0 से मल्टीप्लिकेशन के साथ सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे ये m2 और m2 कट के डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस v1 आ जाएगा। तो माइनस v1 प्लस 0 is equal to minus v1, so v1 dash is equal to minus v1. So v1 dash is student जो v1 dash है वो है last year the first pole after collision, सादा लफ्ज़ों में last year the first pole after collision becomes equal to minus v1, यानी first pole जाएगी वो टकराएगी दूसरी ball से और उसी तरीके से rebound होके वापस आ जाएगी, first pole rebound होके वापस आ जाएगी, यानी उसी velocity से वापस आ जाएगी। और v2 dash calculate करेंगे, v2 dash is equal to 2m1 divided by m1 plus m2 into v1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू v2, और ये हमारे पास v2 डैश अगेन m1 की जगह पे 0 प्लेस करेंगे तो 2 इनटू 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 इनटू v1, और ये m2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस m2 इनटू 0, तो ये 0 की वजह से सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये भी 0 से डिवाइड होकर सारी वैल्यू जो है वो 0, उससे 0 मल्टीप्लाई करेंगे पर 0 आ जाएगा, 0 से ये डिवाइड कर ले मल्टीप्लाई कर ले और ये डिवाइड कर ले सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, so v2 dash equal to 0। और इसको हम देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 जो है वो ये है कि व्हेन केस नंबर 4 ये है कि व्हेन m1 इज फार ग्रेटर देन m2, m1 m2 से बहुत बड़ा है, v2 इज इक्वल टू 0 है, तो इस केस में चूंकि m2 बहुत छोटा है तो हम m2 को जो है वो 0 कह देंगे। तो m1 - m2 / m1 + m2 * v1 + 2m2 / m1 + m2 * v2। अब m1 की जगह पे m1 लगाएंगे, v2 की जगह माइनस m2 की जगह पे 0, m1 की जगह m1 और m2 की जगह अगेन 0 * v1 प्लस 2 m2 की जगह 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 0 * 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये m1 डिवाइडेड बाय m1 * v1 रह जाएगा, तो m1 m1 डिवाइड होगा और ये वाला आ जाएगा 1 * v1 v1, तो v1 + 0 = v1। सो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन व्हिच इज v1 डैश इज इक्वल टू v1। Come to the velocity of the second ball after collision, which is v2 dash, और ये बराबर है 2m1 divided by m1 plus m2 into v1 plus m2 minus e1 m1 divided by m1 plus m2 into v2. The 2m1 divided by m1 into m2 की जगह पे 0 आ जाएगा और v1 और m2 की जगह पे जो है वो 0 आ जाएगा, यहाँ पे minus m1 की जगह पे m1 ही रहेगा और ये आ जाएगा 2m1 divided by m1 into v1 और 0 से मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो v1 बचेगा यहां से 2, v1 बचेगा यहां से प्लस 0 और ये 2v1 ही हमारे पास आ जाएगा, तो v2 dash is equal to 2v1। सादा लफ्जों में जो सेकंड ब्लॉक बॉल जो इतनी छोटी थी जब फर्स्ट बॉल उसे कोलाइड करेगी तो सेकंड बॉल v1 की वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी तक जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने केस नंबर 3 और केस नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी, अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।